जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए 8.1 से लेकर 8.3 तक आप लोग के लिए हम वीडियो अपलोड कर दिए हैं। पार्ट 8 तक में आज हमारा होगा, पार्ट 9 से शुरू होगा और एक्सरसाइज होगा हमारा 8.4 होगा। उम्मीद करूंगा कि आप सभी को वीडियो ये वाला पार्ट भी जो है बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में, जो भी है आप शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए 8.4 में सवाल, और सवाल आपके सामने है, देखिए ध्यान से। सवाल है क्या, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। किसमें बोला है? कोट ए का पद में। देखिए, इसको बनाने का दो तरीका है, आपको हम वही तरीका बताएंगे जो आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, तो हम सिंपल तरीका बताएंगे। ठीक है ना, तो देखिए साइन ए को, सेक ए को और टेन ए को कोट के पद में लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन है, सबको लिखना है किसमें, कोट में लिखना है, कोट ए का पद में। तो कोट ए, तो कोट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। ये मतलब फॉर्मूला, कोट का क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो नीचे कुछ नहीं तो क्या रहता है, एक रहता है। तो यहां से देख सकते हैं आप सभी, आधार का मान ऊपर वाला क्या हो गया, कोट ए हो गया, नीचे लंब कितना है, एक। कोई भी संख्या नीचे ना कुछ नहीं रहता, एक रहता है, आधार हो गया एक। तो निकाल लेते हैं क्या, सॉरी लंब हो गया एक, आधार हो गया कोट ए, निकाल लेते हैं कर्ण। तो चलिए निकाल लेते हैं कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक है, लंब देखिए, लंब आपका आ गया एक, एक का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, आधार हमारा है कोट स्क्वायर ए हो जाएगा, है ना। देखिए ध्यान से, एक का वर्ग तो एक ही हो गया, प्लस इधर है आपका कोट स्क्वायर ए। यहां से हमारा आधार, लंब और कर्ण निकल गया। ठीक है ना, अब निकालते हैं क्या पूछा है, सब आ जाएगा कोट का पद में। देखिए ध्यान से, निकलना है साइन ए, साइन ए यह होता है आपका लंब बटे कर्ण होता है, लंब। तो देखिए लंब आपका एक हो गया, अब बटे कर्ण, कर्ण का मान कितना है, वन प्लस कोट स्क्वायर ए। कोट स्क्वायर ए, तो देखिए आपका साइन कोट का पद में आ गया, बस हो गया। उसके बाद निकालना है क्या, सेक ए, इसका होता है फॉर्मूला कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे क्या होता है भाई, आधार होता है। तो कर्ण का मान देखिए, कर्ण यहां आया हुआ है आपका वन प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, बटे आधार, आधार हमारा है एक, जब भागा देंगे तो बराबर हमारा तो तेरह जाएगा ना, वन प्लस कोट स्क्वायर ए। अब निकालना है हमें क्या, टेन, टेन ए यह होता है लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे था, माफ कीजिएगा, लंब बटे आधार होता है। तो लंब हमारा है एक और आधार, आधार हमारा है कोट ए, कोट ए, दैट इज आंसर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना, बिल्कुल यह तरीका जो है ना बिल्कुल बेसिक तरीका, एकदम आराम से बना सकते हैं। अगर आपको, अगर ऐसे ये तो बहुत ईजी तरीका है, अगर आपको अगर फॉर्मूला सब याद है ना, आप डायरेक्ट इसको बना सकते हैं, इसको कोड को चेंज करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे, जो है ना आपका जो है कोशिश हर मन में आ जाएगा। लेकिन सिंपल सी बात है, बस जो दिया गया इस नियम से बैठा दीजिएगा, आधार का होता है आधार बटे, इसका कोड का होता है आधार बटे लंब होता है, इसे बैठा दीजिएगा, लंब कर आधार सब निकाल लीजिएगा, उसके बाद जो है ना आप मान निकाल लीजिएगा सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आँखों का पानी लिखेंगे। चले क्वेश्चन नंबर दो, दो तरह ध्यान से देखिए, कौन ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को उससे ए के पदों में लिखिए, यानी कि सब में कौन ए लेना है, और जितना निष्पत्तियां है, निष्पत्तियां छह होती है, आपको हम पार्ट वन में ही बताए थे, छह निष्पत्तियां में सबको लिखना है सेक का पद में।
छह में तो आपका एगो सेक तो हटिए ना गया, बच गया पांच को, यानी कि पांच को जो बच गया है ना, साइन को, टेन को, कोसेक, क्या क्या बचा मतलब पांच को, ठीक है ना, उन सभी को सेक में लिखना है। तो चलिए सब में लेना है कौन ए के लिए, है ना, कौन ए लेना है। तो देखिए आपका दिया गया है सेक ए, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, यह होता है कर्ण बटे आधार, है ना। नीचे कुछ नहीं दिखा रहा था भाई, एक रहता है। तो बताइए यहां से गुरुजी कि कर्ण कितना हो गया, कर्ण आपका हो गया सेक ए, आधार कितना हो गया नीचे वाला, आधार आपका हो गया एक। तो बताया क्या हमारा लंब बच गया ना, तो लंब निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे लंब, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, तो लंब निकालेंगे ना, तो लंब बराबर होगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण कितना है भाई, कर्ण आपका है सेक, स्क्वायर कर दीजिए, आधार कितना है एक, एक का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस एक का वर्ग हमारा हो जाएगा एक, हो गया। चलिए अब जितना निष्पत्तियां बच गया, साइन कोस, टेन कोट्स, कोसेक, सबको निकालना है। लिखेंगे अब साइन, बोला कि एंगल ए के लिए कोण ए के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि सब में लेना है कोण ए, तो साइन ए, कोस लेंगे तो कोस ए, टेन लेंगे तो टेन ए, इन सब में एंगल ए लेना है। तो साइन ए, साइन का होता है लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है, लंब, तो लंब कितना है, लंब आ गया है सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ठीक है। अब बटे कर्ण, कर्ण कितना है, कर्ण है सेक ए, चलिए हो गया। अब कोस, कोस ए, कोस का होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है, कोस 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 आधार बटे कर्ण, आधार 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 हमारा आ गया है एक, कर्ण है सेक ए, ठीक है। उसके बाद निकाल लेते हैं टेन, टेन ए यह होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब कितना भाई साहब, लंब आया है आपका देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस वन आया है, ठीक है, और आधार 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 कितना है एक है, तो भगा देंगे तो वही ना रहेगा, नीचे टेक्स लिखाई नहीं जाता है सेक स्क्वायर ए माइनस वन, इसमें दिक्कत नहीं है जी, एक है तो मतलब नीचे एक नहीं लिखेंगे, और लिख भी दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। अब कोट, कोट ए यह होता है आधार बटे लम, ये तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अथवा हमारा टेन का मान निकला हुआ है ना, इसको पलटा देंगे, हमारा कोट का मान निकल जाएगा। चलिए आधार तो हमारा एक है, और लंब, लंब देखिए लंब यही है निकला हुआ है सेक स्क्वायर ए माइनस वन। चलिए अब बजिए आपका कोसेक, कोसेक यह हमारा होता है कर्ण बटे लंब, ठीक है, कर्ण, कर्ण कितना है, कर्ण है सेक, लंब कितना है, लंब आया है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। सभी निष्पत्तियां को, सबको हमने किस में लिख दिया, सेक का पद में लिख दिया। देखिए साइन ए भी देखिए इसमें सेक है, कोस एक बटे सेक, ये भी सेक में बदल गया, टेन देखिए इसमें भी सेक आ गया, कोट इसमें भी सेक ही है, और कोसेक ये भी हमारा सेक में है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा ट्रिक है, बहुत ही अच्छा यूक्लिड का सॉल्यूशन है, तो मुझे उम्मीद, मुझे विश्वास है कि आप सभी को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर समझ में आता है तो वीडियो को शेयर करने में कभी मत कीजिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एकदम गद्दा उड़ा के। चलिए क्वेश्चन नंबर तीन में आते हैं, और तीन में है, तीन का नंबर एक आपका है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे
कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है ना, यही है। चलिए एकदम एकदम ध्यान से देखिए, बिल्कुल आपको हम आराम आराम समझा रहे हैं, को हर बार नहीं है। ऊपर में देखिए इन दोनों को जोड़ने पर 90 पड़ जाता है ना, देखिए 20, 60, 80, 10, 90 पड़ जाता है ना। इन दोनों में को एगो चेंज करेंगे, नीचे भी दोनों में से को एगो चेंज करेंगे। क्यों ऐसा करते भाई, सवाल है ना? क्योंकि देखिए आपको हम पार्ट टू में बताए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है ना, क्या होता है 1 होता है, इसी पे लेके चलेंगे। तो देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 में हम कितना घटा दें ताकि हमारा यहाँ बता 27, तो घटाएंगे 63 यही खोला फोन। यहाँ भी साइन स्क्वायर 27 डिग्री है और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर 27 डिग्री ही हुआ, 90 में घटेगा 63 तो कितना 87 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, दोनों में से किसी को चेंज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी। अभी हम इसी को चेंज कर देते हैं, 90 में कितना घटा है ताकि हमारा होना चाहिए 17, तो 73 घटा देंगे, हमारा क्या है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है। तो देखिए ध्यान से, आपका है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा हमारा होता है कोस थीटा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा 63 डिग्री। यहाँ देखिए कोस 90 माइनस थीटा तो कोस का उल्टा साइन हो जाएगा, साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए 73 डिग्री थीटा जगह में, यहाँ पे हमारा है कोस स्क्वायर 73 डिग्री। तो देखिए ध्यान से एक चीज, आप साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, कब, जब थीटा का मान समान रहेगा तब। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री और कोस स्क्वायर 63 डिग्री, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, नीचे भी से हमारा 1 हो जाएगा, भगा देंगे तो बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी देख ही लीजिए, साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री प्लस साइन 65 डिग्री, ठीक है। चलिए इन दोनों में कोई एगो चेंज करना है, इन दोनों में कोई एगो चेंज करना है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, आपका है साइन 25 डिग्री या गुना है कोस 90, हम कितना घटाएं ताकि बचना चाहिए 65, तो घटाना पड़ेगा वही 25 प्लस यहाँ पे आपका जो है ना कोस क्या है 25 है प्लस साइन 90 में कितना घटा है ताकि मेरा बचेगा 65, तो वही घटाना पड़ेगा 25, ठीक है। यहाँ आपका है साइन 25 कोस 90 माइनस थीटा, तो हमारा हो जाएगा साइन थीटा, साइन हो जाएगा 25 डिग्री हो जाएगा प्लस यहाँ आपका है कोस 25 डिग्री, एक मिनट यहाँ प्लस है क्या, देखो ध्यान दे हम, नहीं प्लस नहीं है, या गुना कुछ नहीं है, मतलब ऐसा गुना है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, कोस का उल्टा साइन हो जाएगा और साइन का उल्टा कोस हो जाएगा, हो जाएगा कोस कितना 25 डिग्री। देखिए साइन 25 साइन 25, तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री, यहाँ पे कोस 25 कोस 25, हमारा हो जाएगा कोस स्क्वायर 25 डिग्री। अब देखिए तो फॉर्मूला लग रहा है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, आप इसे बगल में लिख दीजिएगा हिंट्स के रूप में, ठीक है ना, बेस्ट रहेगा, तो इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगता है ना, कमेंट में अपना विचार जरूर बताइएगा, ठीक है ना, कैसा लगता है वीडियो, अच्छा लगता है या फिर अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो ना कि सर अच्छा लगता है ना, तो शरीर में जो है ना क्योंकि ऊर्जा बढ़ जाता है, और अगले वीडियो बनाने के लिए जो है ना हम प्रयास करते हैं कि और बेहतर करें, ठीक है ना, इसलिए आप सभी ना कम से कम कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो कैसा लगता है, अगर खराब लगता है तो उसमें हम सुधार करने का प्रयास करेंगे, अगर अच्छा लगता है तो उसको और अच्छा बनाने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है,
लेकिन हाँ आपको जो है ना कमेंट करना पड़ेगा, आप कमेंट कीजिए। दूसरी बात क्या, आप हमें डाउट भी पूछ सकते हैं, जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके लिए हम एक अलग से प्लेलिस्ट बना के वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4, वस्तुनिष्ठ है, नो ऑब्जेक्टिव है, शॉर्ट क्वेश्चन है। 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, बताइए किसके बराबर है। दोनों में कॉमन ले लेंगे हम 9, तो क्या बचेगा हमारा, sec स्क्वायर a माइनस बचेगा tan स्क्वायर a, ठीक है। 9 यहाँ गुना sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर फॉर्मूला होता है 1 होता है, देखिए ध्यान से, आपको हम पार्ट 1 में ही बताए थे, sec स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। आप पार्ट 1 2 को जरूर देख लीजिएगा, सबका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। 9 गुना 1 आपका हो जाएगा, 9 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 1 प्लस 10 a प्लस थीटा है, थीटा sec थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा किसके बराबर है, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, 1 प्लस 10 को लिखते हैं हम लोग sin थीटा बटे कॉस थीटा प्लस से का होता है 1 बटे cos, यहाँ पे 1 प्लस यहाँ कोट है तो कोट के लिए होता है cos बटे sin। इन सभी का जो है ना फॉर्मूला का वीडियो हम पार्ट 1 2 बना दिए हैं, देख लीजिएगा। से का होता है 1 बटे sin, इसमें एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा cos, इसमें एलसीएम लेंगे तो इसमें हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा sin। चलिए या कुछ नहीं तो 1 है 1 गुना cos तो cos ही होगा, मतलब 1 1 को पढ़ेंगे तो cos बार में cos, मतलब 1 बार में cos और cos गुना हमारा 1 थोड़ा हो जाएगा cos, cos cos कैंसिल बचेगा क्या, sin cos cos कैंसिल क्या बचा 1, सेम ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है 1 गुना sin तो हमारा हो जाएगा sin थीटा प्लस यहाँ पे बचेगा हमारा cos थीटा माइनस यहाँ बचा हमारा sin, सॉरी sin कैंसिल तो बचा 1। अब थोड़ा ध्यान से देखिए आप सभी एक मिनट, यहाँ पे cos प्लस साइन, यहाँ साइन प्लस कोस है, की बात हुआ, यानी मतलब यहाँ भी साइन प्लस कोस है, यहाँ भी साइन प्लस कोस है, इसको बोलेंगे a, इसको बोलेंगे b, इसको बोलेंगे a, इसको बोलेंगे b, यानी कि ये पूरे बोलेंगे यहाँ a प्लस b, a माइनस b, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा, देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यह हमारा a हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी, बी का मतलब 1 का स्क्वायर, नीचे कॉस इंटू साइन हमारा हो जाएगा कॉस थीटा इंटू हो जाएगा हमारा साइन थीटा, ऊपर में a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, इसका फॉर्मूला होता है, देखिए ध्यान से a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, को इसको ऐसे भी लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जैसे लिखना आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हो जाएगा ए का मतलब क्या साइन, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 sin a इंटू कॉस ए थीटा, नीचे आपका जो है ना कॉस थीटा है इंटू क्या है साइन थीटा है। देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इसके लिए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इधर प्लस क्या है 2 sin थीटा इंटू क्या है कॉस थीटा, नीचे हमारा है कॉस इंटू साइन है, यानी कॉस थीटा इंटू क्या है साइन थीटा है, तो देखिए साइन इंटू कॉस है तो क्या कट रहा है कहीं पे, बेटे तो नहीं होगा ना साइन स्क्वायर
अब यहाँ पे कुछ प्रक्रिया हो रहा है क्या? एक अब छोड़ दिए, सॉरी माफ कीजिएगा, एक का वर्ग एक एक छूट गया था, इसलिए सोच रहे थे काम गड़बड़ हो गया। यहाँ पे क्या माइनस वन है, तो ए वन अ वन कैंसिल हो गया, बच गया ऊपर में टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ से कैंसिल हो गया बच्चा टू। ठीक है, तो किस ऑप्शन में देख लीजिए, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीन में है आपका सेक ए प्लस टेन ए वन माइनस साइन ए किसके बराबर है ना? चलिए सॉल्व करते हैं। सेक का होता है एक बटे कॉस ए, टेन का होता है साइन ए बटे कॉस ए, यहाँ तो वन माइनस साइन तो है भाई, क्या रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका लघुत्तम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा कॉस ए या वन प्लस क्या बचा साइन ए। ठीक है, यहाँ भी हमारा है वन माइनस साइन ए, ये कुछ एक रहता है, देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा फॉर्मूला, यह होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका है कॉस गुना एक आपका हो जाएगा कॉस ए, एक का वर्ग तो एक हो गया साइन स्क्वायर ए बटे नीचे क्या है कॉस ए, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए वन माइनस होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, और वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट। तो वन माइनस साइन स्क्वायर का हमारा हो जाएगा सूत्र कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे हमारा क्या है कॉस ए, या फिर दो कॉसेस को हम ऐसे भी काट सकते हैं, या फिर देखिए कॉस स्क्वायर का मतलब हुआ कि कॉस को दो बार लिख रहे हैं, नीचे हमारा क्या कॉस 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 कैंसिल तो क्या बचा हमारा एक कॉस ए, यानी हो जाएगा कॉस ए। किस ऑप्शन में है, तीन नंबर था ना, कॉस ए ऑप्शन डी है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। हाँ आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चार है वन प्लस टेन स्क्वायर ए बटे वन प्लस कोट स्क्वायर ए किसके बराबर है, देखिए एकदम आराम से आपको हम बता रहे हैं, एकदम आराम से नोट बना लीजिए, आप फिर कॉपी बना लीजिए, भूल जाइएगा तो फिर उल्टा उल्टा कर देख लीजिएगा वीडियो को, ठीक है ना, वीडियो को उल्टा उल्टा कर देख लीजिएगा, है ना, मतलब निकाल निकाल कर देख लीजिएगा। तो वन प्लस टेन स्क्वायर है ना, तो वन प्लस टेन का होता है साइन बटे कोस स्क्वायर, लगा दीजिए स्क्वायर है तो वन प्लस नीचे कोट है ना, तो यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर, ऊपर में नीचे कुछ नहीं देखा है ना, ऊपर में लघुत्तम लेंगे तो हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस गुना एक आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस से कैंसिल कॉस बच गया क्या साइन स्क्वायर ए, नीचे लघुत्तम लेंगे तो हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, यहाँ कुछ एक है एक को पढ़ेंगे कॉस बार में तो कॉस यानी साइन यानी कि साइन स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस साइन कैंसिल तो क्या बचा कॉस स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, नीचे हमारा है कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर भी हमारा वन हो जाएगा, नीचे हमारा है साइन स्क्वायर ए, वन बटे कॉस स्क्वायर ए, जब गुना करेंगे तो हमारा पलट जाएगा, हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे वन, ऊपर गुना करने पर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, नीचे हमारा आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए,
तो साइन बटे कोस हमारा आता है 10 में, इसका रहते इसका मार देंगे ये हमारा क्या हो गया, अभिष्ट आंसर आ गया। तो ऐसा किस में है 10² ए, किस ऑप्शन में है 10² ए, ऑप्शन जो है ना इसका डी बिल्कुल सही है और ऑप्शन डी। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर, 4 तक हो गया है। तो उम्मीद करूंगा कि आपका पार्ट 2 या 1 या 2 में जो है ना, मतलब कल जो पार्ट आएगा कोशिश करेंगे हम कि आपका ना 5 नंबर का पूरा एक पार्ट में बना दें, ठीक है। पार्ट 10 में बना दिया था, आपका पार्ट 9 चल रहा था, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।